महाठक सुकेश चंद्रशेखर ने एक बड़ा बयान दिया। सुकेश ने कहा कि वो अगले साल चुनाव लड़ने वाला है। जी हां, उसने कहा कि वो अगले साल चुनाव लड़ने वाला है। सुकेश से जब पूछा गया कि चुनाव लड़ने के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे, तो इस पर सुकेश ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी। सुकेश ने यह बड़ा बयान दिया, बड़ा दावा किया और कहा कि वो अगले साल चुनाव लड़ेगा। उससे पूछा गया कि उसके लिए पैसे कहां से आएंगे, उसने कहा कि पैसे की कहीं कोई कमी नहीं होने वाली, चुनाव के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। कुछ इलेक्शन लड़ने वाली बात आ रही है, कंटेस्ट इलेक्शंस? यस, नेक्स्ट ईयर यू विल कंटेस्ट इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर। फंड कहां से आएगा? आई थिंक आई एम वेल्दी एनफ टू फंड माय सेल्फ। कुछ इलेक्शन लड़ने वाली बात आ रही है, कंटेस्ट इलेक्शंस? यस, नेक्स्ट ईयर यू विल कंटेस्ट इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर। फंड कहां से आएगा? आई थिंक आई एम वेल्दी एनफ टू फंड माय सेल्फ। और जेल में रहकर भी सुकेश चंद्रशेखर जैकलीन के लिए फिक्रमंद है। उसने कहा कि जैकलीन पर कोई आंच नहीं है और उसे किसी तरह की फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जैकलीन इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन? नो नो नो, शी इज नॉट एंड शी डजंट नीड टू बी वरीड। आई एम हियर टू टेक। दीपक शर्मा को कितने पैसे दिए? दीपक शर्मा एंड जय सिंह हैव गॉट मोर देन 60-70 लाख फ्रॉम मी। दे आर द वंस हु हैव रिलीज्ड द वीडियो यस्टरडे एंड इट्स अ ओल्ड वीडियो, इट्स नॉट अ न्यू। सुकेश चंद्रशेखर ने मंडोली जेल के जेलर पर एक बड़ा आरोप भी लगाया और कहा कि जेलर दीपक शर्मा और जय सिंह को रिश्वत दी गई। हमारे संवाददाता राजू राज ने सुकेश चंद्रशेखर के वकील अनंत मलिक से बातचीत की। सुकेश के वकील ने कहा है कि महंगी चीजों का शौक सुकेश को हमेशा से है। हमारे साथ बात करने के लिए सुकेश के लॉयर अनंत मलिक साहब हैं। अनंत जी, आज जो सुनवाई थी ईडी को लेकर कोर्ट में क्या रहा? आज ईडी ने सुकेश का कस्टडी रिमांड बढ़ाने की एप्लीकेशन लगाई थी। 5 दिन वो लोग सीख कर रहे थे, एज अपोज टू 5 डेज कोर्ट ने 2 या 3 डेज का ग्रांट किया है। उसके अलावा मेन ये था कि जो अक्यूज्ड हैं उनसे कन्फ्रंट कराना है, जितना रिकॉर्ड है उससे कन्फ्रंट कराना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नई स्टेटमेंट सामने आई हैं और कुछ लोगों को समन किया है, तो कन्फ्रंटेशन के लिए सुकेश की रिक्वायरमेंट होगी। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि कल सुकेश का एक वीडियो तिहाड़ जेल का लीक हुआ, सबसे पहले कि इतना संवेदनशील जेल होने के बावजूद वीडियो लीक हो रहा है और जो जेलर हैं उन पर सुकेश ने गंभीर आरोप लगाए, क्या आरोप लगाए? देखिए, सबसे पहले तो जो वीडियो लीक हुआ है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि एक सिक्योर्ड जेल है, इससे वीडियोस बाहर आते हैं तो ये एक कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट भी बन जाता है। उसके अलावा रही बात की सुकेश के पास महंगे कपड़े थे अंदर, ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये जेल मैनुअल के अगेंस्ट नहीं है।